हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडियन सस्टेनेबल फार्मिंग चैनल। दोस्तों तो दोस्तों आज मैं कुछ नए टॉपिक के साथ ही आया हूँ। तो आपको आपने अगर अर्ली वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने एक अपलोड किया था कि मैं प्लांटेशन करने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर मैंने प्लांटेशन की हुई है। तो ये एप्पल है आपका M7 Geromine। तो ये एक लो हाइट का एप्पल है और ड्वार्फ वैरायटी है इसकी। तो आप देख सकते हैं प्लांटेशन कर दी है, ये अबाउट 100 प्लांट्स है। तो इसमें एज एन पोलिनाइजर मैंने गेल गाला यूज़ किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। अबाउट रेशियो जो मैंने रखा है वो 50/50 का ही रखा है दोनों का। तो ये अबाउट 8-8 फुट के आसपास लगे हैं, 8x10। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रखे हैं मैंने लाइन करके। तो आजकल जो वास्टनेस है हमारे एरिया में जो यहाँ पर है, तो आजकल काफ़ी लोग इस वैरायटी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि ये एज एन एक फास्ट वैरायटी है जो फ्रूट भी अर्ली देती है काफ़ी। तो अबाउट ये थर्ड ईयर में आपको फ्रूट देना स्टार्ट कर देती है, सैंपल्स भी आपके थर्ड ईयर में ही होते हैं। उसके बाद मतलब फोर्थ ईयर में तो प्रॉपर देता है ये। तो अभी इसकी बिगनिंग है, तो देख सकते हैं आप जो मैंने अभी जो किया है। तो ये है मेरे अबाउट 100 प्लांट्स है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर ड्रिप लाइन बिछी हुई है, आज ही मैं अभी पानी देके फ्री हुआ हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो परे को अबाउट जो नेक्स्ट सेशन है, ये देख सकते हैं आप जो दूसरा प्लॉट जो लगाया हुआ मैंने इस पाइप के परे। तो ये है आपका सीडलेस सनार है ये। तो ये अभी भी इसकी प्लांटेशन हुई है, इसकी भी साथ साथ कर की है मैंने, तो उसमें भी अभी पानी देके फ्री हूँ। तो ये भी अबाउट 100 प्लांट्स के आसपास है, 100 से अबव है। तो अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट बनता है इसका, क्योंकि ये इस अकॉर्डिंग बेड क्रिएट करके जो अनार लगाना, ये इस टाइप का फर्स्ट टाइम यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से किया हुआ है। तो यहाँ पर एक्चुअली जो नॉर्मली होता है तो उसमें तो डायरेक्ट ये ना कोई बेडिंग क्रिएट करते हैं ना कुछ करते हैं, तो डायरेक्ट उसमें गढ़ा करते हैं और उसमें सो कर देते हैं। तो उस हिसाब से मैंने बेडिंग क्रिएट की है इस बार, जिस हिसाब से पॉली हाउस में होता है उस हिसाब से मैंने अनार को और ये जो आपके एप्पल है सेब, तो ये वैरायटी भी उसी अकॉर्डिंग बेड क्रिएट करके प्लांटेशन की है। तो अब इसका रिज़ल्ट तो अभी टाइम लगाएगा, अबाउट 2 ईयर्स, लेकिन फिर भी जो देखते हैं कैसा रिज़ल्ट रहता है इसका। तो ये एक अच्छी वैरायटी है जो जितना भी अभी तक मैंने सर्च किया है, M9 हुई आपकी, M7 हुई, ये काफ़ी अर्ली वैरायटीज़ है जो फ्रूट देती है। तो इनकी मेंटेनेंस वगैरह के लिए जितना जो भी मैं आगे करूँगा मैं इसका भी अपलोड करता रहूँगा। अभी पॉली हाउस के जो मैंने अपने अर्ली वीडियोस डाले हैं, तो अब ये नया सेशन हो गया कि सेब की फर्स्ट टाइम है जो मैं कर रहा हूँ मेंटेनेंस, तो किस तरह ये वैरायटी लगती है। यहाँ पर चिलिंग आर हमारे यहाँ काफ़ी कम होता है, लेकिन एज़ कम्पेयर इन प्लांट्स के लिए चिलिंग आर मतलब ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। तो ये हमारे यहाँ पर काफ़ी लोगों ने लगाए हैं और सक्सेसफुल भी रहे हैं। तो अब देखते हैं मेरा कितना सक्सेसफुल रहता है प्रोजेक्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर।